साबिक हुकूमत की नाफिस पॉलिसियां, महकमा एक्साइज को 1.5 अरब का नुकसान। 2016 से नाफिस लग्जरी टैक्स के बायस पंजाब में 40% कम गाड़ियां रजिस्टर्ड होने का इंकशाफ। शहबाज दौर में सस्ती रोटी पर तंकीद, अब तकलीद। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सस्ती रोटी के लिए पहले से ज्यादा फंड्स मुख्तस कर डाले। सस्ती रोटी अथॉरिटी के लिए 1 करोड़ रुपए मुख्तस, रकम 6.5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7 करोड़ 87 लाख करने की सिफारिश। शहबाज शरीफ ने चौधरी लतीफ कंपनी का ठेका मंसूख किया, कौमी खजाने को 66 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। शेख अलाउद्दीन ने कामरान कयानी की कंपनी को ठेका देने के लिए रिश्वत का इंकशाफ किया। शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी। छह लीगी अरकान की पंजाब असेंबली में नो एंट्री, ऑपोजिशन सराफा एहतजाज। दाखिले की इजाजत ना मिलने पर असेंबली की सीढ़ियों पर धरना, नारेबाजी। अरकान की मुअतली का हुक्मनामा वापस लेने तक असेंबली इजलास के बाइकॉट का ऐलान। लीगी अरकान एहतजाज के बाद घर रवाना, बजट पर बहस इल्तवा का शिकार। इजलास की कार्रवाई सोमवार तक मुलतवी। धांधली के बावजूद इंतखाबी नतायज तस्लीम किए, एक शख्स 12 वोट चोरी करके स्पीकर बन गया। जाली स्पीकर ने हंगामा आरई की जाली तस्वीर जारी की, स्पीकर थानेदारी कर रहे हैं। उन्होंने पंजाब बैंक और रिंग रोड पर डाका डाला। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, हंगामा आरई के मामले की तहकीकात का मुतालबा। एहतजाज करना कोई खाला जी का घर नहीं, 126 दिन का धरना दिया था। मियां साहब 126 घंटे ही एहतजाज कर लो, आओ एहतजाज करो, कंटेनर भी देंगे और पानी भी। आप लोग तो आधे घंटे में ही भाग गए। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान के नून लीग पर वार, चोरों के साथ कोई रायत नहीं होगी, सबको कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। आशियाना साफ पानी हर कंपनी में स्कैंडल है, अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। असेंबली हमारा वकार और हमारी शान है, तोहीन नहीं होने देंगे। सूबाई वजीर इत्तला'आत का ऐवान के अंदर मुखालिफीन को जवाब, इजलास से बाहर आकर भी ऑपोजिशन पर वार। लीगी अरकान ने हमजा शहबाज के इशारों पर एहतजाज किया, एहतजाज आप करें तो रामलीला, दूसरे करें तो क्रिकेटर ढीला। आप करें तो रामलीला, कोई दूसरा करे तो क्रिकेटर ढीला। आप करें तो सुभान अल्लाह, कोई दूसरा करे तो अस्तगफिरुल्लाह। आप करे तो माशाल्लाह, कोई दूसरा करे तो अस्तगफिरुल्लाह। आप करे तो वाह, कोई दूसरा करे तो थू थू। तो इस किस्म की मुनाफकत मियां हमजा शहबाज कश्मीरी साहब आपको जेब नहीं देती। छह मुअत्तल अरकान की असेंबली के बाहर फुटपाथ पर बैठक, ऐवान में ना बैठने देते, असेंबली की अहाते में तो आने देते। ऐसा तो परवेज मुशर्रफ के दौर में भी नहीं हुआ। एहतजाज हमारा आईनी हक है, ऑपोजिशन की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। मुअत्तल रुकन यासिन सोहल की मीडिया से गुफ्तगू, असेंबली में दाखिले की इजाजत न मिलने पर बरहम। लीगी खवातीन भी हुकूमत पर बरहम, ये असेंबली का अहाता है, किसी का घर नहीं, लीगी खवातीन। एहतजाज के दौरान लीगी खातून रुकन बेहोश। इलेक्शन जीत कर साद रफीक ने साबित कर दिया लोहे के चने होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि लोहे के चने नहीं होते। ख्वाजा इमरान नजीर का जोशीला खिताब, असेंबली में हंगामा आरई का जिम्मेदार स्पीकर को करार दे दिया। राना मसूद का नून लीग के वजीर आला के आने का दावा, बोले पंजाब में हम हुकूमत करेंगे, ऑपोजिशन मुतहिद हो जाए तो विफाक और पंजाब में डोंकी राजा की हुकूमत नहीं बन सकती। अवाम के मसाइल मेरे अपने मसाइल हैं, शिकायत सेल की खुद मॉनिटरिंग करूंगा। साबिक दौर के खोखले नारे और नुमाइशी मंसूबों का दौर था, अब ऐसा नहीं होगा। जो अवाम की खिदमत करेगा वही ओहदे पर रहेगा। वजीर अला पंजाब उस्मान बुजदार से मुख्तलिफ वफूद की मुलाकात, लोगों के मसाइल सुने।
عوام مہنگائی کے دوسرے وار سے بچ گئے۔ پنجاب حکومت اور تاجر تنظیموں کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ دودھ، دہی، چینی اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں مزید اضافہ رک گیا۔ گجرپورا میں دبئی پلٹ نوجوان سے 1,65,000 کی ڈکیتی۔ مزاحمت کرنے پر موٹر سائیکل پر سوار ڈاکوؤں کا شہری پر تشدد۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی۔ دودھ کے نام پر سفید زہر فروخت کرنے کا دھندا۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر فوڈ اتھارٹی کی ناکہ بندی۔ 37 گاڑیوں میں موجود 5,751 لیٹر دودھ تلف کر دیا۔ جوہر ٹاؤن میں ایل ڈی اور ضلع انتظامیہ ان ایکشن۔ غیر قانونی تعمیرات مسمار کر دی۔ سرکاری اراضی واگزار، منشا بم کے قبضہ سے واگزار اراضی پر کلین اینڈ گرین پاکستان دفاتر قائم۔ ایڈیشنل ڈی جی ایل ڈی اے کا دفاتر کا دورہ۔ حمزہ شہباز کی سروسز ہسپتال آمد۔ خوش اختر سبحانی کی عیادت کی۔ رکن پنجاب اسمبلی خواجہ سلمان رفیق پی آئی سی میں زیر علاج۔ خواجہ عمران نذیر اور چودھری شہباز سمیت لیگی رہنماؤں نے عیادت کی۔ قومی کمیشن برائے بین المذہب مکالمہ کے زیر اہتمام سیکٹر ڈھاٹ کیتھیڈرل ہائی اسکول میں امن کارڈز کی نمائش۔ فادر عنایت برنارڈر اور مولانا عاصم مخدوم نے امن سے متعلق کاوشوں کو سراہا۔ نیشنل ویمن فٹ بال چیمپئن شپ کے مقابلے جاری۔ خواتین کھلاڑیوں کی شاندار پرفارمنس۔ ٹورنامنٹ کا فائنل 25 اکتوبر کو کھیلا جائے گا۔